Okay, today we will discuss about another classes of list interface. ठीक है, आज का जो सेशन होगा कि लिस्ट इंटरफेस के कुछ अदर क्लासेस, जैसे हम बात करते हैं लिंक लिस्ट और वेक्टर, इनके बारे में आज डिस्कस करते हैं. मतलब मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि जो आपका लिस्ट इंटरफेस होता है उसके अंदर के तीन अलग अलग क्लासेस जनरली यूज़ किए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द एरे लिस्ट, जिसका डिस्कशन मैंने कर दिया था. दूसरा आता है लिंक लिस्ट और तीसरा होता है वेक्टर. ठीक है, तो मैं आज बताता हूँ आपको लिंक लिस्ट के बारे में. लिंक लिस्ट एक ऐसा क्लास है जो लिस्ट इंटरफेस के फीचर्स को भी इम्प्लीमेंट करता है, क्यू इंटरफेस के फीचर्स को भी इम्प्लीमेंट करता है और डी क्यू इंटरफेस के फीचर्स को भी इम्प्लीमेंट करता है. इट इज स्पेशल क्लास विच हैज विच कंटेन द फीचर्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस, लिस्ट, क्यू एंड डी क्यू इंटरफेसेस. लिंक लिस्ट प्रोवाइड सेट ऑफ नोड्स टू स्टोर एलिमेंट वेयर ऑल आइटम्स विल बी कनेक्टेड विथ ईच अदर. ठीक है, लिंक लिस्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं वो पूरे नोड के थ्रू कंटेन होते हैं और सभी आइटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं लिंक लिस्ट. लिंक मतलब होता है कनेक्शन. तो जितने भी आइटम्स होते हैं उन सब के अंदर एक इंटरनल कनेक्शन होता है और उन सभी आइटम्स आपस को एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं. वी कैन ऐड एडिट एंड डिलीट एलिमेंट्स, वी कैन ऐड एडिट एंड डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम एनी पोजिशन. ठीक है, हम एलिमेंट्स को किसी भी पोजिशन से डिलीट ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. वी कैन ऐड एडिट एंड डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम एनी पोजिशन फ्रॉम लिंक लिस्ट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि मुझे स्टार्टिंग से किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है, ऐड फर्स्ट करना है, ऐड लास्ट करना है, ऐड पर्टिकुलर पोजिशन करना है, रिमूव फर्स्ट करना है, रिमूव लास्ट करना है, रिमूव पर्टिकुलर पोजिशन करना है, तो ये काम भी हम लिंक लिस्ट से कर सकते हैं. इसलिए लिंक लिस्ट जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू एरे लिस्ट. ओके, इसलिए आप इसके अंदर क्यू ऑपरेशंस, डबल एंडेड क्यू ऑपरेशंस, स्टैक ऑपरेशंस, ये सभी ऑपरेशंस बहुत इजी वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. किसके थ्रू? लिंक लिस्ट के थ्रू. लिंक लिस्ट को भी हम तीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं. पहला, लिंक लिस्ट का रेफरेंस बनाइए और लिंक लिस्ट का ही ऑब्जेक्ट बनाइए. दूसरा तरीका है लिस्ट का रेफरेंस बनाइए और लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए. तीसरा तरीका है क्यू का रेफरेंस बनाइए और लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए. इससे आप सिर्फ क्यू के फीचर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद डी क्यू के का ऑब्जेक्ट, डी क्यू का रेफरेंस बनाइए और लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए. इससे आप डी क्यू के फीचर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ये सभी तरीके से हम लिंक लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं. साथ में जेनरिक लिंक लिस्ट भी होता है. जेनरिक इन द सेंस कि लिंक लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर टाइप को आप स्पेसिफाई कर दिया. मैंने लिख दिया लिंक लिस्ट स्टूडेंट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेनरिक लिंक लिस्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड जेनरिक लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम स्टूडेंट टाइप के आइटम्स को ऐड कर सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको एरे लिस्ट बताया था वैसे के वैसा ही कंटेंट इसके अंदर का भी है. वही प्रीडिफाइंड मेथड्स लिंक लिस्ट के अंदर भी आपको मिलेंगे. कुछ नए मेथड्स आपको ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, इस टाइप के मेथड्स भी आपको लिंक लिस्ट में मिल जाएंगे. तो लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस यही होता है कि एरे लिस्ट सिर्फ लिस्ट इंटरफेस के फीचर्स को ही फॉलो करता है. लिंक लिस्ट जो होता है वो एरे लिस्ट, वो क्यू, डी क्यू और लिस्ट, इन तीनों इंटरफेस के फीचर्स को कंटेन करता है. अब हम इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं. टू इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली वी विल स्टार्ट एक्लिप्स.
नाउ वी डिस्कस अबाउट लिंक लिस्ट क्लासेस, कलेक्शन एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स। हमने जो पहले प्रोजेक्ट्स बनाया था उसी प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। हमने ये जो प्रोग्राम देखा था ये प्रोग्राम लिस्ट का है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलग से क्लासेस ले लेंगे। न्यू क्लास लिंक लिस्ट एग्जाम्पल। नाउ वी क्रिएट लिंक लिस्ट। obj equals to new linked list. Now we can add element obj dot add. obj dot add. obj dot add. ठीक, आप इसके अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग दे दिया, वन दे दूंगा तो वन इंडेक्सिंग में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कर दिया ओबीजे डॉट एड फर्स्ट, तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट नंबर है उसमें एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट ओबीजे डॉट एड लास्ट, यहाँ पर मैंने लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो ये सभी अलग अलग क्या है, सेट ऑफ मेथड्स हैं। ऐड से मैंने फर्स्ट एलिमेंट्स ऐड किया, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि 0 1 2 पोजीशन, फिर इसके बाद ऐड फर्स्ट हो जाएगा, ऐड लास्ट हो जाएगा। तो ये जो मेथड्स हैं आपके, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, ये आपको एरे लिस्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये मैथड्स आपको लिंक लिस्ट में ही मिलेंगे। बाकी ऐड मैथड आपको कॉमन है, ऐड और रिमूव मैथड दोनों में मिलेगा, लेकिन ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट मैथड ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिस विल बी कंटेंट बाय लिंक लिस्ट। अब यदि आपको किसी भी आइटम्स को रिमूव करना है तो ओबीजे डॉट रिमूव के पास भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। आप रिमूव कर सकते हो, रिमूव लास्ट कर सकते हो, रिमूव बाय इंडेक्स कर सकते हो, रिमूव ऑल कर सकते हो, ठीक है। ये सभी मेथड्स इसके अंदर मैनेज्ड। अभी मैं रिमूव नहीं चलाता, पहले मैं इस एलिमेंट्स को प्रिंट करता हूँ, और ये भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही डेटा को प्रिंट करता है। मैंने आपको बताया था कि लिस्ट इंटरफेस के जितने भी क्लासेस होते हैं उनके अंदर एक नेचर होता है कि वो सभी डेटा को प्रॉपर सीक्वेंस में ही प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको इटरेट करना, इटरेट करना मतलब प्रिंट करना। प्रिंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आप ये है कि आप फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हो। ओबीजे की वैल्यू हमने किस में असाइन कर दिया, ओ में असाइन कर दिया, एंड नाउ आई कैन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन। एक्चुअली देखा जाए तो फॉर ईच लूप जो है वो कलेक्शन के लिए ही बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि एरे के एरे तो आप फॉर लूप से प्रिंट कर सकते हो, बट और कलेक्शन कलेक्शन में चलो ठीक है, ये कलेक्शन तो चलो आप फॉर लूप से भी कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर इंडेक्सिंग भी इंटरनली मैनेज होती है। बाकी यदि दूसरे कलेक्शन की बात करूँ, सेट की बात करूँगा मैं, सेट क्लासेस की या मैप क्लासेस की, तो उनके अंदर आप किसी भी टाइप का फॉर लूप तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। दिस वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले एट फर्स्ट में iOS आया, फिर जावा 1 2 3 4 PHP, और लास्ट में क्या आ गया एंड्रॉयड, क्योंकि एट लास्ट में अपन ने क्या लिखा है, एंड्रॉयड लिखा है। अब यहीं पर मैं ओबीजे डॉट रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव फर्स्ट कर दिया तो जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से एलिमेंट्स को आप हटा सकते हो, एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, जितने भी एलिमेंट्स आपको ऐड करना उतने एलिमेंट्स आप डायनेमिकली इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ओके। अब लिंक लिस्ट का ये भी एक प्लस पॉइंट है, लिस्ट का भी आप रेफरेंस बना सकते हो। यू कैन क्रिएट द रेफरेंस ऑफ लिस्ट एंड कंटेन द फीचर्स, लिस्ट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और ये सभी के सभी जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल के अंदर ही मैनेज होंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिस्ट लिया तो ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट ये दोनों मेथड्स में एरर बता दिए, क्योंकि ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट मेथड जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है, क्यू के अंदर है।
ठीक है, तो आप क्यू के थ्रू यदि आप इंटरफेसिंग करोगे तो वो चीज़ें मैनेज्ड हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको जितने तरीके से बताया था, देर हैव फाइव डिफरेंट वेज टू क्रिएट टू मैनेज द लिंक लिस्ट, ठीक है, द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ओके, तो इस ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें मैंने लिंक लिस्ट के बारे में आपको प्रेजेंट किया, बताया, ठीक है। प्रोग्रामिंग में लिंक लिस्ट आपको कब यूज़ करना है, जब भी आपको डायनेमिकली एलिमेंट्स को अरेंज करना होगा, वहाँ पर हम लिंक लिस्ट को प्रिफर कर सकते हैं।